संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। आप सत्संग देख रहे हैं लखनऊ के नाका के पास, और यह सत्संग इंद्रजीत कौर के घर में गुरु जी के कृपा से संपन्न हो रहा है, और हम आशा करते हैं कि जो और संगत के लोग हैं, गुरु जी की कृपा आप पर भी आएगी और आपके घर में भी ऐसे भव्यशाली और सुंदर गुरु जी का सत्संग होगा। जो हमारे नए संगत के लोग हैं, वे लोग गुरु जी के बारे में नहीं जानते होंगे, आज हम गुरु जी के बारे में कुछ बताएंगे। जो नए संगत के लोग हैं, वे लोग गुरु जी के बारे में सुने, और जो हमारे पहले के संगत हैं, वे भी गुरु जी के बारे में ध्यान से सुने। लव यू गुरु जी। गुरु जी प्रकाश परमात्मा थे, जिनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था, जो कि पहले के सिख गुरुओं द्वारा पवित्र क्षेत्र था। यदि यीशु के जन्म में जादूगरों ने भाग लिया था, तो गुरु जी का जन्म नागों द्वारा हुआ था। एक महत्वपूर्ण घटना जो उनकी वास्तविक पहचान का सुराग देती है। जो नए संगत के लोग हैं, वे गुरु जी के बारे में और अधिक जानते रहें, और ये देख रहे हैं इंद्रजीत कौर के घर पे गुरु जी का कृपा बरस रहा है, और आप जो संगत के लोग आए हैं, गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। आगे हम गुरु जी के बारे में और जानते हैं। गुरु जी ने हजारों तरह की बीमारियों को ठीक किया है। उन्होंने लोगों को कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद की। जो उनके पास आए, उन्हें शांति दी और खुशी दी। उन्होंने उन लोगों को भी आशीर्वाद दिया जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, लेकिन उनके रिश्तेदार और दोस्त उनके पास आते थे और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उनसे मदद की याचना करते थे। जय गुरु जी। आप समझ रहे होंगे कि गुरु जी की शक्तियां अपार हैं, और गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी का आशीर्वाद संगत को कब मिल जाता है, संगत को पता ही नहीं रहता है। संगत के लोग गुरु जी से जुड़े, और गुरु जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एक बार ही कह दो जय गुरु जी, जा आयस कर, लव यू गुरु जी। आप संगत सत्संग देख रहे हैं संसद में, जो संगत के लोग हैं गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो आप लोग जहाँ भी संगत हो, समय निकाल कर संगत में आए और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो गुरु जी का दर्शन पाते हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दिव्य प्रकाश हैं, जो धरती पर मानवता को आशीर्वाद देने और जागरूक करने के लिए आए थे। पंजाब के मलेरकोटला जिले के डुगरू गांव में 7 जुलाई 1954 का सूर्योदय गुरु जी के जन्म की घोषणा के साथ
हुआ था। तो जो हमारे नए संगत के लोग हैं, आप समझ गए होंगे हमारे गुरुजी में कितनी शक्तियाँ समाहित हैं। हमारे गुरुजी सब पर कृपा करते हैं, जो गुरुजी के पास आते हैं उन पे भी कृपा है। यदि आपने गुरुजी से अपने परिवार के लिए कुछ मांगा है तो गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का आशीर्वाद आपके परिवार में भी पहुंच जाता है। आप देख रहे हैं जल प्रसाद का बहुत महत्व है, और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज गुरुजी के चमत्कार से हो चुका है, और आप और अन्य वीडियो में भी देखेंगे जो संगत के लोग स्वयं बताते हैं कि गुरुजी का चमत्कार कैसे कैसे हुआ है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि संगत के लोग जो हैं काफ़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं, हॉस्पिटल से लेके अन्य जगहों से लेके काफ़ी परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, और गुरुजी कृपा उन पे आ जाती है और उनका परिवार जो है सुख चैन से जीने लगता है। कभी कभी तो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो कि मृत्यु की ओर ले जाती हैं, परंतु गुरुजी के आशीर्वाद से वो भी दिन टल जाता है। और जो व्यक्ति बीमार रहता है डॉक्टर से निराश हो जाता है कि अब हम कैसे ठीक होंगे, वो गुरुजी के जल से, गुरुजी के ब्लेसिंग से वो ठीक हो जाता है। और इसी उम्मीद से सभी संगत के लोग गुरुजी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और जो गुरुजी के साथ है उसका हमेशा भला होता है, उसका हमेशा गुरुजी अपने आशीर्वाद से, अपने शक्तियों से उनके पूरे घर के और पूरे समुदाय को, सबको सुख चैन देते हैं। तो हमारे गुरुजी बहुत ही भले हैं, और शुक्राना गुरुजी का, जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरु महाराज, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत के लोग सभी बोलें एक बारी कह दो गुरुजी, जा ऐश कर, लव यू गुरुजी। कहा जाता है कि हर युग में कोई ना कोई अवतार आया जिन्होंने सबको पार लगाया, इस कलयुग में शिव ही हमें भवसागर पार करा सकते हैं। मानव जात के उत्थान के लिए स्वयं शिव जी को मानव रूप में आना पड़ा है। शिव की महिमा का गुणगान बिना शिव की इच्छा के कोई भी नहीं कर सकता, और ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी के रूप में गुरु जी आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी।